श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आप पर बाबा महाकाल की कृपा बनती बरसे, हमेशा आपका जीवन सुखमय रहे। अगर आप नए व्यूअर हो चैनल को, आप पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का दिखाई दे रहा है, उसे आप दबाएं और इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो चैनल है आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता है। दूसरी बात है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, हमने जो निःशुल्क ज्योतिष आपके लिए उपलब्ध करवाते थे वो एक बार फिर से पुनः शुरू कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपके लिए हम नंबर फिर से जारी करेंगे और आप सीधे हमसे बात कर पाएंगे। देखिए, उसमें न कोई पैसा लिया जाता है, ना आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये किसी पूजा को बताया जाता है। बिल्कुल सामान्य और घरेलू उपाय जो करने के बाद आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा और एक अच्छा बदलाव आएगा। हम सकारात्मक ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि कोई भी ग्रह यदि आपकी कुंडली में अप एंड डाउन है या अशांत है, जिसकी वजह से आप कई सारे रत्न अपने हाथों में धारण किए हैं, कोई सारा उपाय किए हैं और कई सारी बातें आपने की होगी, कई कई चीज़ों को फॉलो किया है, लेकिन उसके बाद भी आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, या आपको कुंडली में राहु दोष है या ग्रहण दोष है, चांडाल योग हैं, कई सारे योग हैं, मांगलिक भी दोष होते हैं, कई नीच के ग्रह हो गए, कोई नेगेटिव ग्रह आपके लग्न में बैठा है और कई सारी कंडीशनें होती है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ है जिससे आप बहुत दिनों से परेशान हैं, जिसके लिए आप उपाय ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा सब कुछ हो, उसके लिए प्रयास भी बहुत आप कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया, तो देखिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका कोई भी ग्रह, नौ के नौ ग्रह अप एंड डाउन है या आपको नेगेटिव फल दे रहे हैं या राहु की महादशा चल रही हो, किसी की भी महादशा चल रही हो आपके लिए और फेवरेबल आपके लिए नहीं है, तो अगर आप इन उपायों को करोगे, इस उपाय को करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। उपाय में आपको करना यह है कि आपको 1,25,000 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, 1,25,000 बार। अब आप जान लें कैसे करना है, कितने टाइम में करना है और किस तरह से करना है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स मुझे आने वाले, उससे पहले मैं सभी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। टाइम ड्यूरेशन में कोई लिमिट नहीं है, आप रोज़ 10 करें, 100 करें, 20 करें, 50 करें, 100 करें, जितना आपका लिमिट है उतना कर सकें, जितनी आपके मन में इच्छा हो करने की उस हिसाब से करें। टारगेट पूरा नहीं करना है या हमें कोई ऊपरी मन से नहीं करना है, केवल एक सिर्फ दिखावे के लिए करना है। तीसरी बात, स्वयं को करना है, न कि किसी अन्य को करवाना है। चौथी बात कि ये इसमें एक टेक्निकल बात मैं कह सकता हूँ कि आप ओम नमः शिवाय का जाप रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर ले, या एक आजकल गैजेट बाजार में मिलता है, या अपने लैपटॉप में कर ले, मोबाइल में कर ले, और उसको आप 1,25,000 बार सुन भी सकते हैं। ये भी आपके लिए ये कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, तो 24 घंटे उसे चलने दीजिए आप। पांचवी बात है, समय का कोई लिमिट नहीं है, आप खड़े होकर करें, बैठ कर करें, नहा कर करें, बिना नहाए करें, जैसा आपको करना हो, ऑल टाइम 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि पूरी ईमानदारी और पूरी श्रद्धा पूर्वक नाम लिए जाए। अगर आप 1,25,000 बार जाप करते हैं, आपको वो फ़ायदा मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको और अगर कोई जानकारी चाहिए, कभी भी कर सकते हैं आप, किसी के लिए भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाकी शर्त यह है कि स्वयं करें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, अन्य कोई कर सकता है, इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य किसी, यदि आप की माता है, पिता है, भाई है, बहन है, अगर आप उनके लिए करना चाहते हैं कि भगवान इनका हित हो जाए और उनके नाम से आप स्वयं करना चाहते हो, वो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखे वीडियो को शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।